अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शहरियार, वेलकम टू ISF एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम अपना 10th क्लास का जो है वो मैथमेटिक्स कर रहे हैं और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका हमने फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट जो है वो हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, ठीक है। और आज के हम अपने लेक्चर में जो है वो एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का 6th एंड 7th पार्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं जी, हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट जो है वो क्या है। अगेन सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर ही है, ठीक है। तो इस 6th पार्ट में है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 195 इज इक्वल टू 0। अब देखें, सबसे पहला स्टेप हमारे पास जो होता था ना कंप्लीटिंग स्क्वायर में, वो ये होता था कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ना, जो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर पड़ा है ना, उसको हमने ख़त्म करना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ तो नंबर कोई पड़ा ही नहीं है, ठीक है। तो पहला स्टेप तो हमारा यहाँ पे स्किप हो जाएगा, तो हम चलेंगे अब दूसरे स्टेप पे। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या होता था कि जो कॉन्स्टेंट टर्म थी उसको हम इक्वल टू की दूसरी साइड पे लेके जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखें, वही काम किया, ये इक्वेशन लिखी मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 195 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है, 1 ही है ना, कोई नंबर नहीं लिखा, तो इसलिए इसका पहला स्टेप स्किप हो गया। दूसरा स्टेप होता था कि इसको हम इक्वल टू की दूसरी साइड पे लेके जाते थे, तो यहाँ पे माइनस 195 है, जब इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस 195 हो जाएगा। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 195। तो इस केस में ये हमारे पास बन गया स्टेप नंबर 1, ओके। नेक्स्ट अब देखें, इससे नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता था कि जो एक्स का कोएफिशिएंट है उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। तो आप देख सकते हैं एक्स का कोएफिशिएंट था ये 2, इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, जो बाकी बचा वो यहाँ पे लिख दिया। तो ये आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस 2 ये वाला, और यहाँ पे 1 बच गया 1, और ये एक्स इज इक्वल टू 195। अब इससे नेक्स्ट फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे 1 का स्क्वेयर मिस है ना, क्योंकि माइनस 2x पड़ा हुआ है और ये यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वेयर दोनों साइड पे हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो वही काम किया, देखें जी 1 का स्क्वेयर और इधर भी 1 का स्क्वेयर हमने ऐड कर दिया। अब इधर हमारे पास फार्मूला बन गया, ठीक है। फार्मूला मैं एक दफ़ा दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वेयर जो होता है ना, ये हमारे पास इक्वल टू होता है ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज एक्स माइनस 1 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, इधर हमारे पास 195 और 1 का स्क्वेयर 1 नहीं आ गया ना, तो 195 प्लस 1 196 हो गया। अब यहाँ पे स्क्वेयर है, तो इस स्क्वेयर को ख़त्म करने के लिए अब हम स्क्वेयर रूट लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए वही काम किया, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वेयर रूट ले लिया, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कट गया, इधर आ गया एक्स माइनस 1 ये लिख दिया इज इक्वल टू, इधर आ गया प्लस माइनस, स्क्वेयर रूट था 196 का, इधर आपके पास 196 था ना, तो जब इसका स्क्वेयर रूट लेंगे तो 196 का स्क्वेयर रूट होता है 14, तो ये आ गया प्लस माइनस 14। अब एक दफ़ा प्लस के 14 के बराबर इसे रख ले, एक दफ़ा माइनस के 14 के बराबर इसको रख ले, जब प्लस के 14 के बराबर रखा, ये इधर माइनस 1 है, उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा ना, तो x इज इक्वल टू 14 प्लस 1 हो गया, और ये आ गया x इज इक्वल टू 15। और जब हमने x माइनस 1 को माइनस 14 के बराबर रखा, तो यहाँ से माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 हो गया, तो x इज इक्वल टू माइनस 14 प्लस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 13। तो फिर हमारे पास x के दो आंसर आ गए, एक 15 और एक माइनस 13, ठीक है जी। तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या आ गया फिर, 15 एंड माइनस 13, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट है जी, अब हम वो देखते हैं कि वो हमारे पास क्या है। 7th पार्ट में हमारे पास है माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 15 ओवर 2 इज इक्वल टू 7 ओवर 2x, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले इसको हम जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं कि तीनों जो ये है हमारे पास ये एक साइड पे आ जाए ना, फिर ही हम इसको सॉल्व करेंगे ना। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए ये x माइनस एक्स स्क्वेयर है ना, जब इसको मैं इक्वल टू की दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो ये प्लस के एक्स स्क्वेयर हो जाएगा ना। तो आप देख सकते हैं, ये देखें
प्लस के एक्स स्क्वायर। इसी तरह ये 15/2 जब इसको इक्वल टू की दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो ये मेरे पास माइनस के 15/2 हो जाएंगे ना, तो आप देख सकते हैं ये माइनस के 15/2 और ये 7/2x उधर ऑलरेडी पड़ा है प्लस का है, तो ये वैसे लिख दिया प्लस के 7/2x इज इक्वल टू जीरो। पहले तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में सबसे पहला स्टेप होता है एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो खत्म करना, तो वो तो ऑलरेडी 1 है, वो तो खत्म करने की जरूरत नहीं है। दूसरा स्टेप होता है जो कांस्टेंट टर्म है इक्वल टू की दूसरी साइड पे ले दे, तो यहां पे कांस्टेंट टर्म हमारे पास -15/2 है, इसको इक्वल टू की दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 15/2, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां तक हो गया। अब तीसरा स्टेप हमारे पास क्या होता है कि जो x के साथ नंबर पड़ा है ना उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई और 2 को डिवाइड कर दे, तो आप देख सकते हैं x के साथ यहां पे 7/2 पड़ा है तो 7/2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई और 2 को डिवाइड कर दिया। अब ये नीचे वाले 2 को हम अंदर ले जाएंगे और ऊपर वाले 2 को एज इट इज बाहर रहने देंगे क्योंकि हमने फार्मूले को कंप्लीट करना है। तो ये आ जाएगा जनाब एक्स स्क्वायर प्लस 2, जब ये 2 अंदर जाएगा तो 2 × 4 हो जाएगा, ये होगा 7/4 एक्स इज इक्वल टू 15/2, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, हमें एक्स स्क्वायर हमारे पास मौजूद है प्लस के 2x मौजूद है, ये 7/4 का स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट होगा ना, ठीक है। तो वही हमने काम किया, दोनों तरफ 7/4 के स्क्वायर को ऐड कर दिया, ठीक है। जब दोनों तरफ 7/4 के स्क्वायर को ऐड किया तो ये आपके पास पूरा फार्मूला बन गया स्क्वायर का, क्या एक्स प्लस 7/4 का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू, ये आपके पास हो गया 15/2 एज इट इज। 7 का स्क्वायर है 49 और 4 का स्क्वायर है 16, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब इसका लिया एलसीएम, एलसीएम लेना मैंने आपको बताया है, बाकी फिर भी यहाँ पे मैं एक दफ़ा कर देता हूँ। एलसीएम कैसे लेते हैं, देखिए नीचे है 2 और 16, तो मैंने आपको बताया था छोटे से छोटा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे वो है 2, 2 1s are और 2 8s are। अब उससे आगे देखिए, फिर ये तो 1 आ गया ना, ये एज इट इज़ चलता रहेगा, ये 1 आ गया और ये 2 4s are 8, अगेन ये 1 एज इट इज़ और ये 2 2s are और अगेन ये क्या आ गया 2, ये 1 एज इट इज़ और ये 2 1s are, नीचे 1 1 बन गया, दैट्स इट। अब इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कराएं तो ये 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, तो एलसीएम कितना आ गया, इन दोनों का 16 एलसीएम आ गया। अब उससे अगला काम हम करते हैं, इसके डिनोमिनेटर को ये जो 2 है उसको जब 16 पे डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं जी 16/2 का आंसर क्या आएगा, 2 1s are 2 8s are, तो 8 आंसर आ गया ना, वो जो 8 आंसर आया उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो देखिए 15 × 8 हो गया प्लस। अब इसके डिनोमिनेटर को जब 16 पे डिवाइड करेंगे तो 16 को 16 पे डिवाइड किया, जवाब 1 आया, अब 1 को ऊपर 49 से मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। तो यह है एक एलसीएम लेने का तरीका कार जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप 6, 7 और 8 क्लासेस में ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पर बता दिया, ठीक है। तो ये 15 × 8 = 120 प्लस 49 × 1 49 ही आ गया और नीचे है हमारे पास 16, ठीक है। अब 120 प्लस 49, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 169 और नीचे 16 है। अब यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, अब आगे वही काम, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ले लिया हमने दोनों साइड्स पे, ठीक है। तो जब स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड्स पे तो ये हो गया x प्लस 7/4 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 169/16, ठीक है जी। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, ये आ गया x प्लस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 169 का स्क्वायर रूट होता है 13, ठीक है, और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो ये आ गया 13/4। अब एक दफ़ा इस वैल्यू को प्लस के 13/4 के बराबर रख लिया, एक दफ़ा इस वैल्यू को माइनस के 13/4 के बराबर रख लिया। अब जब ये प्लस के 13/4 के बराबर है तो ये 7/4 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 13/4 − 7/4। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 13 − 7/4, ठीक है। अब 13 में से 7 गए तो आ गया 6 6/4। अब इसकी कटिंग करें तो 2 2s are 4 and 2 3s are 6, ठीक है, तो x इज इक्वल टू आ गया 3/2। दूसरी साइड पे अगर देखें तो x प्लस 7/4 इज इक्वल टू है माइनस के 13/4। अब 7/4 उधर जाके माइनस के 7/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास x इज इक्वल टू आ गया माइनस के 13 और माइनस के 7/4,
तो ये हो गया माइनस के 20/4। अब 4 ones are and 4 fives are 20, तो इसका आंसर क्या आ गया, x = -5, x = -5 आंसर आ गया। अब हमारे पास दो आंसर आए, एक आया x = 3/2 और दूसरा आया x = -5। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, 3/2 और -5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट। तो हमारा जो है आज का लेक्चर वो यहीं तक था। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।